नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में किया गया। बैठक में अल्पसंख्यक विभाग, आईटीआई सहित अन्य शिक्षण संस्थाओं के अधिकारी और प्रिंसिपल मौजूद रहे। बैठक में छात्रों को दिए जाने वाले छात्रवृत्ति वितरण तथा प्रतिशुल्क के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि छात्रवृत्ति का डाटा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अवश्य दर्ज करें, जिससे छात्रों को समय से स्कॉलरशिप दिया जा सके। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप के वितरण में ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम साहब ऑर्डर किया, डीएम साहब ने भी सारे करो कवर। 302 स्कूल में 18 पैरामीटर पे काम चल रहा है, परसों की रिव्यू में हमारा, और फिर आप लोग का आज भी हमारा संवाद है। एन नंबर ऑफ वर्क्स हम एग्जीक्यूट करते हैं इनके थ्रू, एन नंबर ऑफ स्कीम्स जिनकी गिनती तक भी नहीं है, कितना काम होता है हमारा। रिव्यू करें, पिछली बार हम लोग 300 पे थे, अगली बार 1000 पे चले जाए, कितना लगेगा आप लोग का वर्क देख। आज फिर वही जो फाइनली इसको कर दीजिए, वो उसी के लिए आप लोग काम होंगे। हार्डवेयर में भी हो रहा है, लेकिन वो लिमिटेड है, वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वाला काम आपका है। आएंगे और अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं ये काम करेंगे, ये बन रहा है। तो यहाँ पे आपको बार बार आना पड़ेगा, ये आपकी इवनिंग तक आ सकते हो, आप लोग निकल के 10 बजे गए जब आपने कमाया, छोड़ो भाई ये मैं क्लियर कर दूँगा, इसके लिए बोल रहा हूँ और उसके लिए बोल रहा हूँ। अभी जब आप लोग का रिव्यू होगा, डीएम साहब को बता दूंगा कि 10 तारीख 8 तारीख को मैंने फिर बोल दिया था, इधर फिर नहीं था यूपीपीसीएस उसी से रिलेटेड हो, ये सुनो, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इनको ऐसे एकदम